यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम आपको तीन बेहतरीन शेयर बताएंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं किसी भी गिरावट में, और ये शेयर काफी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सॉलिड रिटर्न दे सकता है आपको। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय करते हैं किसी भी गिरावट में, तो हर डीप पे आप इसको बाय करते हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये मिड कैप स्टॉक्स है, तो मिड कैप स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगा, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले इसके प्रोडक्ट की बात करें तो पहला जो स्टॉक है वो सुंदरम फास्टनर है। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये हाई टेंसाइल फास्टनर बनाती है, और ये आप तो देखे होंगे कि ये जो मशीन्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। फिर कोल्ड एक्सटर्शन बनाती है, हॉट फोर्ज बनाती है, मतलब ये सारे कंपोनेंट है जो कि इंडस्ट्री के मशीन्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। उसी तरह से कई सारे प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के, तो जो कि कंपनी डोमेस्टिक मार्केट साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट दोनों मार्केट में सेल करती है। सुंदरम फास्टनर 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये टीवीएस ग्रुप की एक कंपनी है, और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है ऑटोमोटिव पार्ट्स, जो कि आपको मैंने दिखाया कंपोनेंट डोमेस्टिक एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करती है। बात करें करेंट प्राइस का, 762 रुपीज़ के आसपास करेंट प्राइस है, और डिविडेंड की बात करें 0.62% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% का है, फेस वैल्यू 1 का है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 49.5% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, और डेट टू इक्विटी की बात करें 0.30 का डेट टू इक्विटी है, और टोटल डेट की बात करें 710 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट की बात करें 359 करोड़ का है नेट प्रॉफिट। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है, डेट टू इक्विटी भी काफ़ी कम है, रिजर्व की बात करें 2326 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। अब इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट पे देखिए काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, 2000% का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, और अगर किसी डिप पे आप बाय के रहते तो और भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिलता, अगर किसी डिप पे बाय करते 10,000% का रिटर्न यहाँ देख सकते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है, देखिए काफ़ी डिप दिखाता है, किसी भी डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डिप में गिरावट में 2020 में बाय करते तो अभी तक आपको 300% का रिटर्न अप्रॉक्स मिलता, तो गिरावट का वेट कीजिए, कभी भी गिरावट होता है तो आपको बाय करना है, और इसमें जो सपोर्ट लेवल होगा वो लगभग 650 रुपीज़ का होगा, तो 650 या 650 के नीचे कभी भी मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट की बात करें तो वो कंपनी तीन बिजनेस सेगमेंट के प्रोडक्ट बनाती है, सीमेंट, माइनिंग, पावर, एग्रीगेट। यहाँ सीमेंट नहीं बनाती है कंपनी, बल्कि सीमेंट में जो मेंटेनेंस में और जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होगा जो कि कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है उसको बनाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी जो यहाँ पर सेपरेशन वाल होती है वो बनाती है, कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव जो भी हो सकता है मेंटेनेंस में जो कि कॉस्ट को डिक्रीज कर सकता है कंपनी के, वो प्रोडक्ट बनाती है। और तीन वर्टिकल है, माइनिंग में, पावर में, एग्रीगेट में, तो तीन बिजनेस वर्टिकल है जिसमें ये कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी है AAI इंजीनियरिंग लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 2024 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 1.33% का है, अच्छा खासा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2, 15% के आसपास है, तो काफ़ी बेहतरीन है, फेस वैल्यू 2 का, प्रमोटर्स होल्डिंग 58.5% का, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी देखिए तो निग्लिजिबल डेट है 0.05, मतलब मात्र 193 करोड़ का डेट है। लगभग ये कंपनी मतलब लार्ज कैप बनने वाली है, थोड़ा सा मार्केट कैप लार्ज कैप जो हम बोलते हैं उससे कम है। नेट प्रॉफिट 566 करोड़ का है, रिजर्व 4,000 करोड़ का है, तो उससे भी ज़्यादा है, तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है। और इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट भी कंपनी का काफ़ी सॉलिड रहा है, चार्ट देखिए लॉन्ग टर्म में 1981% का रिटर्न दिया है, और किसी डीप पर बाय किए रहते तो और अच्छा खासा रिटर्न मिलता, तो चार्ट तो इस इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट आपको काफ़ी कम मिलते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग चार्ट आपको ब्लू चिप कंपनियों के मिलेंगे, और ये एक मिड कैप कंपनी का चार्ट देखिए इतना सॉलिड है, जब भी गिरावट हुआ तो काफ़ी सॉलिड रूप से कंपनी कम बैक किया है, तो काफ़ी बेहतरीन ये भी स्टॉक है, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तीन स्टॉक आपको इसमें हम बता रहे हैं, तीन में से कोई एक आप ले सकते हैं,
या आप दो ले सकते हैं, तीनों आपको नहीं लेना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। आप तीन स्टॉक मैंने आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसमें से कोई एक या दो ले सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है उसके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफ़ी कंपनी का डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी सारे पार्ट्स बनाती है, कंपोनेंट बनाती है कंपनी। देखिए उसमें से हो गया ऑटोमेटिव कंपोनेंट, पावर जनरेशन में जो यूज होता है, ऑयल गैस में, रेल में, मैरिन में, एरो स्पेस में, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में, और ई मोबिलिटी में। ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, इतना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है इस कंपनी का। और देखिए ई मोबिलिटी में जो है कंपनी मॉड्यूलर डिजाइन कंसेप्ट, मॉड्यूलर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मोटर टेस्टिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है, डिजाइन और डेवलपमेंट ये सारे काम करती है कंपनी। साथ साथ कई सारे बिजनेस वर्टिकल दिखाए, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड, काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेंज है। यहाँ ओवरव्यू पर क्लिक करके आप कंपनी के सारे प्रोडक्ट रेंज को देख सकते हैं। और ये कंपनी है भारत फोर्ज, और ये कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। और यहाँ पर देखिए कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स ये बनाती है, पावर जनरेशन में जो टावर आप यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन माइनिंग में, एरोस्पेस में, मैरिन में, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और ये कंपनी है भारत फोर्ज, और इसका जो मार्केट कैप है 36,000 करोड़ का। एक लार्ज कैप कंपनी है, दो मिड कैप कंपनी था, ये एक आपको लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 789 रुपीज, डिविडेंड 0.25%। और बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मात्र 3% का है, देख सकते हैं काफ़ी कम हुआ है इधर, क्योंकि प्रॉफिट में फॉल हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.15% है, ये भी काफ़ी फॉल हुआ है क्योंकि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का गिरा हुआ है। और फेस वैल्यू 2 का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 44.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट 0.97 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, तो डेट काफ़ी कम है क्योंकि हम डेट टू इक्विटी मैक्सिमम 2 तक लेते हैं, यहाँ तो 1 से भी कम है, लगभग 1 के इक्वल है। तो ऐसे भी कंपनी काफ़ी सॉलिड बिजनेस है, लेकिन थोड़ा 2-3 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फॉल हुआ है। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी लॉस मेकिंग है अभी, 126 करोड़ का, रिजर्व 5000 करोड़ का। और ये प्रॉफिट अगर सेल्स देखेंगे तो ये 3 साल से डिक्रीज हुआ है, 2019 में 10,000 करोड़ था, 2020 में डिक्रीज हुआ, 2021 में, 2019 में देखिए नेट प्रॉफिट था 1000 करोड़ से भी अधिक का, अभी कंपनी थोड़ा सा लॉस पेश की है, तो ये आपको ध्यान देखना पड़ेगा। यहाँ 2010 में भी लॉस था, लेकिन वहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छे से ओवरकम किया, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, निश्चित रूप से कम पैक करेगा। लेकिन चार्ट पर देखिएगा तो उस लॉस का कोई असर नहीं है चार्ट पे। देखिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में यहाँ पर मिल रहा था, 230 रुपीज़ पर मिल रहा था, और वहाँ से कंपनी काफ़ी बेहतरीन 240% का रिटर्न दिया है। देखिए 240 से यहाँ 788 रुपीज़ तक जा चुका है, और लॉन्ग टर्म में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में कभी गिरावट पे आप बाय करके रखे रहते हैं तो देखिए 11,000% का रिटर्न। तीनों स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड हैं, सिर्फ ये है कि भारत फोर्ज जो है थोड़ा सा लॉस दिखाया है, तो थोड़ा सा कंपनी जो है जैसे अपने क्वार्टर के रिजल्ट जो आने वाले समय में अच्छा पेश करता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अभी भी आप क्वार्टर के रिजल्ट को देख सकते हैं। कंपनी क्वार्टर के रिजल्ट में देखिए काफ़ी सुधार किया है, मार्च क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले कई क्वार्टर में लॉस दिखाया था, इसीलिए आपको एनुअल प्रॉफिट में भी लॉस दिख रहा है। क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है मार्च 2021 के क्वार्टर में, तो जो जून मार्च क्वार्टर था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जून क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो उसको देख लेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे। और कभी भी गिरावट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये सारे स्टॉक काफ़ी मतलब गिरावट भी दिखाता है, काफ़ी वोलेटाइल भी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।